ये बोल रहा है कि मेरा ब्लॉग इसको ज्यादा बोरियत करवाता है। Hey guys, good morning and welcome to my new vlog. So I hope you all are doing well. So अभी देख रहे हो यार, मैं डायरेक्ट कार से व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ, वॉइस डब कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को सुबह उठ के बिल्कुल टाइम नहीं मिला, क्योंकि भैया निकल गया मैं प्रयागराज कुछ काम से और मेरे को LIC जाना पड़ रहा है कुछ काम से, कुछ ये ज़रूरी काम है तो मैं उधर ही निकल गया हूँ। शूट का टाइम बिल्कुल नहीं मिला तो डायरेक्ट LIC ऑफिस जा रहा हूँ अभी, और वहाँ पर क्या काम है और बताता हूँ, मतलब अगर शूट करने दिया गया तो, नहीं तो अभी अभिषेक को उठाते हैं और चलते हैं डायरेक्ट LIC ऑफिस, लेट्स गो। सो गाइस पहुंच रहा है ऐसी जा और इतना ट्रैफिक लगा ना इस समय, पता नहीं टाइमिंग ऐसी हो रखी है इस समय, गलत टाइम पे आ गए, लेकिन वहां भी जाना ज़रूरी है, अभी चलते हैं। आओ पहुंच रहे हैं वहां पे धीरे धीरे स्लोली, तो बहुत धीमे गाड़ी चला रहा हूँ गाइस, बहुत धीमे, यहाँ से मुड़ना है ना, देख लो ट्रैफिक गाइस, मैं क्या बताऊँ यह तो ऑलरेडी ट्रैफिक है। और अभिषेक भाई तुम कैसे हो? हंगामा से कॉल आ रहा है भाई। हैं? हंगामा से कॉल? किस चीज़ के लिए? वीडियो एडिट करके देना है, करेक्शन आया है। अच्छा, इसका काम ही रहता है हमेशा बिजी बिजी पर्सन। भाई ग्रीन लाइट हो गई, चलो चलते हैं। सो गाइस तब से ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, ये कम से कम पांचवा या चौथा ट्रैफिक लाइट है, ये देखो तब से फंसा हुआ है, और इस ट्रैफिक लाइट को पार करते ही जाएंगे LIC ऑफिस, वहाँ पे काम वगैरह निपटाएंगे, फिर देखते हैं, हो सकता है कुछ वाजपेयी कचौड़ी खिला रहे थे तो कचौड़ी खाते हैं, अपनी नहीं वाजपेयी कचौड़ी। एक और रेड लाइट गाइस, देखो फिर से यार, क्यों आज किस्मत ही खराब है क्या हमारी? पूरी किस्मत खराब है आज गाइस, रेड लाइट तो नहीं लेकिन हाँ, यहाँ पे भाई हवलदार साहब ने हम लोग रोक लिया, एक तरह से एक और रेड लाइट। तो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं, लेट्स गो। सो फाइनली हो चुका है जिस काम के लिए हम लोग निकले थे LIC का, और अब यहाँ से जा रहे हैं घर, और अगर भूख लगती है, कुछ भूख लगी है तुम्हें? खाना है कुछ? तो उसको भूख लगी है तो कुछ खाते हैं और फिर देखो क्या करते हैं। बाकी जो काम के लिए आया था यार वो काम हो गया, बहुत ठीक है, दो दिन का टाइम मिल गया अपन को तो दो दिन में सारा काम निपटा देंगे। शॉप चलते हैं, कुछ खाते हैं, नहीं तो घर चलते हैं। सो फाइनली अभी काम हो गया है और अब आ गए हैं फ़ोन का काम करवाने, थोड़ा फ़ोन की प्रोटेक्शन और डिटेक्शन करवा दें क्योंकि तो स्क्रैचेस आ रहे हैं, तो फ़ोन को थोड़ा सही करवा लेते हैं, ठीक है? आओ चलते हैं। तो अभिषेक भाई अपने साथ में चलते रहते हैं हमेशा। आप काम वाम नहीं करते हो क्या? नहीं भाई, हमेशा हमारे साथ ही रहते हो। जी भाई, भाई काम वाम कर लो। है भाई पता नहीं काम मैं कब करता हूँ। अच्छा आओ कट लो। सो कवर लेने गए, कवर भी नहीं मिला, गाड़ी स्टार्ट करना, अब गाड़ी स्टार्ट करने जा रहे हैं। लो भाई गाड़ी स्टार्ट हो गई। ओह फक, ये क्या हुआ भाई? तो भाई अब गियर में नहीं है गाड़ी, ठीक है चले। जी भाई, तो अब जा रहे हैं कुछ खाने, यार भूख बहुत तेज लगी है। सो गाइस खाने से पहले हम आ गए अपने एक फ्रेंड के घर, उसको आप लोग जानते होंगे, सुमित यादव, यादव फुल नाम, फुल नाम लेते हैं यार, कुछ लोग बोलते हैं कि पूरा नाम क्यों लेते हो भाई, जब नाम है तो वही लेंगे ना। यादव जी बोलिए सर, खाली यादव जी बोल सकते हैं, ठीक है, नहीं तो सुमित बोल सकते हैं, सुमित यादव ठीक है, आज से यादव जी। और यादव जी आते हैं, आंटी खड़ी है सामने, और आंटी को मैं जूम नहीं करूँगा, आंटी उठा के फेंक देंगी हमको, तो सो सॉरी, काट देना इसको। सो हमारे साथ सुमित भी आ गए हैं। सुमित तबीयत कैसी चल रही है? ठीक है थोड़ी सी, तो याद है ना कुछ टाइम पहले इनकी तबीयत इतनी खराब थी, लेकिन अब तबीयत ठीक चल रही है, तो इनको वेट भी नहीं हुआ, ये तब से मुंह दाब ली, सो पिज़्ज़ा ऑर्डर किए, एक पिज़्ज़ा भी, और अगर भूख लगी तो खाएंगे। तुम्हें भूख है? और आज इतना भी खाते हैं, एक इसका हो गया, एक इसका हो गया, और दो मेरा हो गया, ठीक ठीक ना। Thank you.
out the ice behind my stone cold eyes. I turn to ashes, but only just sometimes. Inhale your smoke, but you. So finally, ho gaya. Chabi lao, bhai. Thank you. क्या बोले भाई? कुछ नहीं भाई, बोल अबे। बोलो ये बोल रहा है कि मेरा ब्लॉग इसको ज्यादा बोरियत करवाता है तो भाई जी भाई फैक्ट है ऐसे। आपकी जो YouTube हिस्ट्री है ना उसमें जो आपके व्लॉग्स हैं मैंने देखे हैं। पब्लिश कर दूं? तो आपके पास अकाउंट है तो इनका सुमित ऐसा रहता था कैसे hey guys, आज हम जा रहे ऐसे जूम मुंह पे घुसा रहा था कैमरा ठीक है तब वाइड एंगल लिया है। गाड़ी चल रही थी मुंह पे ऐसे घुसा हुआ है तब वाइड एंगल लिया है चलो अपना काम करो। एक ब्लॉगर दूसरे ब्लॉगर की बेइज्जती करता है शर्म नहीं आ रही आपको? 4 सालों का ब्लॉग छोड़े हुए मेरे को तुम अब कर रहे हो? तो भाई कर तो रहा हूँ ना, आप छोड़ क्यों दिए? क्या कर रहे मुंह पे घुस के समझ नहीं आ रहा था ना इसलिए। आप क्या कर रहे हैं भाई? खुले में छाछ हो रहा है। ये क्या है? आपको स्लिप डिस्क हुआ है? अच्छा आपको स्लिप डिस्क भी हो रखा है? बोल क्या रहे तुम पहले ये देखो स्लिप डिस्क। सो फाइनली चाय वगैरह सब पी चुके हैं और शाम के बज रहे हैं। अब भाई कितने बज रहे हैं भाई? शाम के 8:13 हो गए और अब जा रहे घर भाई। अब कुछ डिनर वगैरह करके सो जाएंगे क्योंकि भैया और भाभी भी बाहर गए हुए प्रयागराज तो घर में अकेले हैं। सुबह से निकले हुए थे, एलआईसी काम सब खत्म हो गया, अब डायरेक्ट जा रहे घर। और अभी के देखो भाई नमक पारा खा रहे हैं, खा लो भाई इस नमक पारा। तो भाई अब घर पर मिलते हैं डायरेक्ट, ठीक है? चलो भाई फाइनली घर आ गए, बहुत थक चुके हैं और घर पर भाई कोई नहीं है, क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा। सबको मैं ड्रॉप भी कर दिया सब भाई, मतलब अपने अपने घर गए तो अब भाई कुछ समझ नहीं आ रहा है। एक तो घर पे कुछ खाना नहीं बना, किचन साफ सब कुछ साफ, तो क्या खाया जाए आज? तो भाई हो सकता है मेरे पास कुछ हो तो कुछ स्नैक्स वगैरह खाते हैं भाई। वैसे हो गई थकान, हम जा रहे हैं सोने, लेकिन अभी सोएंगे नहीं, अभी नींद नहीं आ रही ना। और हाँ तुम लोग को यार एक चीज़ बतानी है भाई, आज बहुत बोरिंग दिन था, मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा था आज क्या किया हूँ मैं क्या किया हूँ। सुबह टहला आया बाहर किया, मतलब कुछ नहीं पता। आज सुबह से नींद आ रही, बस सुस्ती देख रहे हो भैया चेहरे पे भी एकदम भाई चेहरे की बैंड बजी हुई, कुछ नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्या किया हूँ। तो भाई भगवान भरोसे और देखते कुछ स्नैक्स खाते हैं, वरना फिर भाई बस यही सीन है बस। सो ये स्नैक्स है आज का और इसी को खाएंगे, इसी से आज रात कटने वाली है, पेट भरेंगी। और अभिकेत भी आ गए, अभिकेत का मन नहीं लगा अकेले तो ये कहे कि मैं तुम्हारे साथ आ जाता हूँ। मैंने कहा ठीक है आ जाओ। क्यों आया भाई घर पे? मैं बोला था कुछ काम वगैरह करते हो कि नहीं? करके आए हो भाई। अच्छा काम निपटा के आए हो, ओके। तो भूल जाते हो क्या? क्या? हाँ भूल जाते घर पे हो? हाँ भाई ये इन्हीं का घर है, ऑफिशियली मैं किरायेदार हूँ। हाँ तो भाई यही लेस खाते हैं और अपनी रात खत्म करते हैं। सो यार मैं सो गया था कल और वही स्नैक्स वगैरह खा के मैं सुत गया, मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब सोया। तो अभी दोपहर के 1 बज रहे हैं और मैं अब जाके उठा हूँ इतना लेट, लेकिन भाई लेट शायद पता नहीं, शायद बहुत गहरी नींद में था और शायद थकान भी हो गई थी ना पूरा दिन। तो हाँ तो यही सीन है और बस यही कहना कि यार अब मैं इस ब्लॉग को एंड करूँगा और एक नया ब्लॉग स्टार्ट कर दूंगा। तो बस इतना बोलना है कि थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द ब्लॉग, अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो और मिलते हैं जल्दी फिर से नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखो सब लोग।